मगर हुजूर, आज बगदाद के किस इलाके का गश्त करने का इरादा है आपका? यूं करते हैं, आज मशरकी इलाके का गश्त लगाते हैं। उस तरफ से निकले काफी अरसा बीत चुका है। बजा फरमाया हुजूर। आइए चलिए। आओ। हुजूरे आला, कहने के लिए तो ये गरीबों की बस्ती है, मगर यहाँ चारों तरफ खुशहाली है, सब खैरियत से हैं। हाँ, खैरियत से लगते हैं। हाँ हुजूर। वज़ीरे बातदबीर। हाँ अमीरुल मोमिनीन। ये तो बड़ा शानदार महल है। हुजूर, महल तो शानदार ही हुआ करते हैं। अगर महल शानदार नहीं हुआ तो महल और झोपड़ी में फर्क ही क्या रह जाएगा? हमारे कहने का मतलब है कि ये अमीरों की बस्ती तो नहीं है, फिर इस बस्ती में इतना शानदार महल। बात कुछ समझ में नहीं आई। बजा फरमाया हुजूर। इन रस्सियां बटने वाले मजदूरों की बस्ती में ये महल कुछ ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने टाट में मखमल का पैबंद लगा रखा हो। दरियाफ्त करो जी, इस महल का मालिक कौन है और वो क्या कारोबार करता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बड़ा बादशाह है। दे अल्लाह के नाम पे, दे अल्लाह के नाम पे, अगर दाता ने दिया है, दे अल्लाह के नाम पे। अल्लाह बड़ा बादशाह है, अल्लाह बड़ा बादशाह है, अल्लाह बड़ा बादशाह है। बाबा बाबा, ये महल किसका है? है एक सखी जिसके दम से कभी कोई गरीब कोई फकीर भूखा नहीं रहता। मगर उस सखी का नाम क्या है? ख्वाजा हसन खबाल, जो कभी रस्सियां बटा करता था। अल्लाह बड़ा कमाल है। ये तो वाकई बड़े ताज्जुब की बात है। इसमें ताज्जुब क्या? अल्लाह जिसे चाहे उसे नवाज दे। पर आप लोग ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो हम लोग शहर बगदाद में अभी अभी दाखिल हुए हैं, किसी सराय की तलाश में इधर निकल आए थे। महल देखकर रुक गए। मुसाफिर हो? हाँ हाँ मुसाफिर हैं। तो फिर सराय में ठहरने की कोई जरूरत नहीं। सखी हसन खबाल का मेहमान खाना मुसाफिरों के लिए सदा खुला रहता है। जाओ हसन खबाल की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाओ। जाओ। अल्लाह बड़ा कमाल है, अल्लाह बड़ा बादशाह है, अल्लाह बड़ा कमाल है, अल्लाह बड़ा बादशाह है। ऐ अल्लाह, तूने मुझे जो इज्जत जो सआदत बख्शी है वो सदा कायम रख। मेरा हाथ सदा ऊपर रख और मैं हमेशा हाजत मंदों की हाजत रवा करता रहूं। खुदाया मेरे इस मकान पर और यहां के मकीनों पर और यहां आने वाले मेहमानों पर तू अपनी रहमतें और बरकतें यूं ही नाजिल फरमाता रहे। आमीन। अल्लाह कनी। क्या बात है, आज नमाज में बड़ी देर लगा दी। मेहमान खाने में कुछ मुसाफिर कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मेहमान तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेगम, मैं उस दिन को बड़ा मनहूस मानता हूँ जिस दिन कोई मेहमान तशरीफ नहीं लाता। अल्लाह का शुक्र मानिए कि वो मनहूस दिन आपको देखना नसीब नहीं हुआ। वाकई अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आज फिर किसी मेहमान की मेहमान नवाजी का मौका अता फरमाया। बेगम, कुछ खाने वाने का इंतजाम तो किया होता। गुलाम हुसैन के हाथ तो पूछवाया था।
पर उन्होंने तो मना कर दिया, कहा कि कुछ खाकर आए हैं। अच्छा आप जाइए, मैं गुलाम हुसैन के हाथों शरबत भिजवाती हूँ। अच्छा वाह क्या तरावट बख्श मशरूब है हुजूर, ठंडक तो रूह की गहराइयों में उतर गई। सुभान अल्लाह, आपका ये मेहमान खाना तो किसी शाही महल से कम नहीं। जी जनाब, मेहमान को हम अपना आका समझते हैं। मेहमान नवाजी तो अरबों की रगरग में रची बसी है जनाब। अगर कोई अरब मेहमान नवाज ना हो तो उसे अरब कहलाने का हक हासिल नहीं है जनाब। इस शानदार मेहमान खाने में जब भी कोई गरीब मुसाफिर आता होगा तो अपने आप को किसी बादशाह से कम नहीं समझता होगा। जी जनाब, मेरे इस गरीब खाने पर ठहर कर अगर किसी गरीब को खुशी मिलती है तो सच मानिए इस बात की खुशी मुझे सबसे ज्यादा होती है। मैं तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे एक गरीब रशन फरोश से एक अमीर शख्स बनाया और मुझे गरीबों की मदद करने के काबिल बनाया। रशन फरोश? मगर माफ कीजिए जनाब, मजदूरी करके कोई इतना आलीशान महल तो नहीं बना सकता, यह तो अनहोनी है। बेशक, लेकिन तकदीर अगर चाहे तो अनहोनी को होनी में बदलने में देर नहीं लगती। बेशक बेशक, आपकी कहानी तो बड़ी दिलचस्प मालूम होती है, हमें नहीं सुनाएंगे? कहानी बहुत लंबी है और रात बहुत छोटी है, और फिर आप दोनों थके हुए भी दिख रहे हैं, किसी दिन आराम से सुनाऊंगा। वैसे भी मुझे एक नींद लेकर तहज्जुद की नमाज के लिए उठना भी तो है। ठीक है, तब तो इस वक्त आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। ये मेहमान तो बिल्कुल अजीब थे, न रात का खाना खाया और न ही सुबह के नाश्ते पर रुके। भाई हमें भी उनका रवैया बड़ा अजीब सा लगा। बहरहाल मेहमान थे भाई, हमने तो उन्हें सार आंखों पर बिठाने की कोशिश की, अब वो खुद ही न माने तो हम क्या करें। आका आका, क्या आफत मचाए हुए हो, क्या आसमान टूट पड़ा? ऐसा ही समझिए। क्या उलझल उल बक रहे हो मियां, सच्चा डरे हो क्या? मैं सच कह रहा हूँ, खलीफा हारून रशीद ने अपना एलची भेजा है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हुआ है? भला खलीफा अमीरुल मोमिनीन अपना एलची यहाँ क्यों भेजेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात जो दो मेहमान ठहरे थे वो कहीं चोर उचक्की या लुटेरे रहे हो? क्या कह रही हो बेगम? और नहीं तो क्या, यूं ही कोई रात के अंधेरे में आता है और सुबह का उजाला फैलने से पहले ही चला जाता है, शक तो होगा ही। हुजूर, मैं अभी उसे यहाँ बुला लाता हूँ। ठीक है तुम जाओ, बेगम जरा पर्दा कर लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहिए क्या बात है? जी खलीफा हारून रशीद ने आज रात आपको अपने दरबार में तलब किया है। कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई है? ये तो मैं नहीं जानता, बहरहाल आज रात आपको दरबार में पहुंचना है। ठीक है पहुंच जाऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह खैर करना। ख्वाजा हसन खबाल, हमें यहाँ देखकर आपका हैरत में पड़ जाना ये मुनासिब है, मगर खलीफतुल मोमिनीन को सलाम तक न करना हरगिज मुनासिब नहीं है। खलीलुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐ मेरे खलीलुल मोमिनीन, सलाम न करने की मेरी गुस्ताखी को माफ कर दीजिए। रात को अपने गरीब खाने पर सौदागर मेहमान की सूरत में और अब सुल्तान की सूरत में मैं आपको देखकर अब भी हैरत में हूँ।
बात तो हैरत की।